हेलो एंड वेलकम टू संदीप प्रियास किचन। आज हम बनाएंगे बनाना फ्लावर वड़ा। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हम लेंगे बनाना फ्लावर और इसका जो रेड कलर का पेटल है ना, इसको हम रिमूव कर लेंगे और ये बनाना फ्लावर को साइड में रख देंगे। रेड कलर का जो पेटल है ना, पत्ता, इसको हम निकाल देंगे और जो बनाना फ्लावर्स है ना, इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। फर्स्ट हम लेंगे एक बनाना फ्लावर और इसको हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखिए, ये लॉन्ग वाला जो स्टेम है ना, इसको हमें निकालना है और ये पेटल जो है स्मॉल वाला, इसको हमें निकाल देना है। मैं आपको और एक ओपन करके दिखाऊंगी। देखिए, ये लॉन्ग वाला जो स्टेम है, इसको हमें निकालना है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्लास्टिक जैसा दिख रहा है ना पेटल, इसको भी हमें निकाल देना है। इसी प्रोसेस में हमें बनाना फ्लावर को क्लीन कर लेना है। ये जो स्टेम्स है, इसे हम निकाल देंगे और फ्लावर्स को इकट्ठा कर लेंगे, गैदर कर लेंगे और इसे हमें फाइनली चॉप कर लेना है। आप चाहो तो रफली भी चॉप कर सकते हो या पूरा का पूरा ऐसा भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इस फ्लावर को बटर मिल्क में सोक कर लेंगे। आप चाहो तो लेमन वाटर में भी सोक कर सकते हो। बटर मिल्क में सोक करने से ना बनाना फ्लावर जो है वो ब्राउन नहीं होगा, ब्लैक नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होगा। तो अब हम लेंगे एक मिक्सर जार और इसमें हम डालेंगे सोक्ड चना दाल और अब हम इसमें डालेंगे फ्यू करी लीव्स। करी लीव्स से तो वड़ा बहुत टेस्टी लगेगा। और अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे हाफ ए इंच जिंजर, क्यूमन सीड्स। लिड क्लोज करके इसे हमें कोर्सली ग्राइंड करना है। देखिए, ऐसा ग्राइंड कर लेना है कोर्सली, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम इसे साइड में रख देंगे और जो बटर मिल्क में सो किया था ना बनाना फ्लावर, इसका वाटर हम निकालेंगे। इसको हमें ड्रेन कर लेना है, वाटर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब हम इस फ्लावर को मिक्सर जार में डाल लेंगे और इसे भी हमें कोर्सली ग्राइंड कर लेना है। देखिए, ऐसा कोर्सली ग्राइंड कर लेना है और अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे फाइनली चॉप्ड ऑनियंस, कोरिएंडर लीव्स, सॉल्ट टू टेस्ट और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहो तो इसमें मिंट लीव्स भी डाल सकते हो। और अब हम एक बॉल साइज़ का मिक्सर लेंगे और वड़ा जैसा शेप देंगे। देखिए, ऐसा बनाना है। और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल पहले से ही गरम करके रखा था। अब हम एक एक करके वड़ास को ड्रॉप करेंगे ऑयल में। आप चाहो तो इसे शालो फ्राई भी कर सकते हो, वो भी बहुत ही डिलीशियस लगेगा कम ऑयल में। हमें इसे फ्राई करना है जब तक कि वड़ास जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तब तक इसे हमें पलटते हुए फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। अब ये वड़ा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसे अब हम निकाल लेंगे और एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। डिलीशियस बनाना फ्लावर वड़ा बनकर तैयार है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए।